नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बात करने वाले फ्लिपकार्ट पे जो गिफ्ट वाउचर है 2500 रुपये का, वो बहुत से लोगों को शो नहीं कर रहा, उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका क्या क्या सॉल्यूशन है और क्या टर्म एंड कंडीशन में जो बदलाव आए हैं, क्यों नहीं शो कर रहा है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और किस तरह से आप अपने गिफ्ट वाउचर को शो कर सकते हो, अपने अकाउंट में ला सकते हो, वो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर आप मेरे अकाउंट में देख सकते हो अभी 2600+ कॉइन है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि जब भी आपके जो कॉइन है 2500 से प्लस होंगे, उससे ज़्यादा होंगे तो आपका गिफ्ट वाउचर शो करेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे मेरा कोई गिफ्ट वाउचर शो नहीं कर रहा है, जो 2500 रुपये वाला स्पेशल गिफ्ट वाउचर है वो कहीं पे भी शो नहीं कर रहा है। तो इसके जो टर्म एंड कंडीशन में चेंज आ गए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले यदि आपको यहाँ पे गिफ्ट वाउचर शो नहीं करता है तो आप एक बार इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हो। उसके लिए आपको अकाउंट में आ जाना और अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देना है यहाँ पे 15 से 20 दिन के लिए। तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर अपने अकाउंट को लॉग इन नहीं करना है, आपका अकाउंट लॉग आउट रहना चाहिए, आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है 15 से 20 दिन। जैसे ही आपका अकाउंट बाद में आप लॉग इन करोगे तो इस तरह से आपका गिफ्ट वाउचर शो कर सकता है। यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड का गिफ्ट वाउचर है जो यहाँ पर जो आ गया था, तो इस तरह से आपका भी गिफ्ट वाउचर आ सकता है। तो आपको बस अपने अकाउंट को 15 से 20 दिन के लिए लॉग आउट रखना है, जिससे शायद आपका गिफ्ट वाउचर वो यहाँ पे शो कर सके। तो आप एक बार इस ट्रिक को जरूर ट्राई करना जिससे आपका गिफ्ट वाउचर आ जाए। यहाँ पे ध्यान रखना आपके पास 2500 कॉइन है तभी आप अपने अकाउंट को लॉग आउट करके यहाँ पे 15 से 20 दिन का गैप दे देना है। उसके अलावा यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन में यहाँ पे चेंज आ चुका है, यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन में ये बदलाव आया कि आपके जो 1000 कॉइन है वो आपको प्रोडक्ट परचेज होने चाहिए, यानी कि आप सामान खरीदते हो उससे जो सुपर कॉइन मिलते हैं आपको वो होने चाहिए, यानी 1000 कॉइन आपको ऐसे होने चाहिए जो आपने यहाँ पे सामान खरीदा और तब आपको यहाँ पे जो कॉइन मिले। तो उसके लिए आप यहाँ 25000 या उससे ज़्यादा शॉपिंग करते हो तो आपको यहाँ पे जो कॉइन मिलेंगे उससे आपको यहाँ पे 1000 कॉइन मिल जाते हैं। यदि आप 25000 या उससे ज़्यादा की शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट पे तो उससे आपको कॉइन मिलते हैं 1000 कॉइन। और उसके अलावा यहाँ पे 1500 कॉइन है आपको यहाँ पे वीडियो हो गए या फिर जो दूसरे गेम हो गए उससे खेल के आप करते हो तो 1500 कॉइन वो होने चाहिए और 1000 कॉइन जो है आपको प्रोडक्ट से मिले होने चाहिए। तो इससे आपको कुल मिला के 2500 कॉइन इस तरह के होने चाहिए जो आपको जो गिफ्ट वाउचर है उससे आप रिडीम कर सकते हो। उसके लिए आपको बस ये टर्म एंड कंडीशन में बदलाव आ चुका है, तो इसका जो टाइम है 1 महीना हो चुका है और टर्म एंड कंडीशन में बदलाव आ चुका है। आपको ये जल्दी अपडेट अपने जो गिफ्ट वाउचर है वहाँ पे भी शो कर लेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके 1000 कॉइन जो है आपने प्रोडक्ट परचेस से किए तो ही आप यहाँ पे गिफ्ट वाउचर को रिडीम कर सकते हो। उम्मीद करते हैं मैंने यहाँ सारी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यदि आपको किसी तरह की और प्रॉब्लम आई तो नीचे कमेंट कर देना। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।